प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंसेप्ट ऑफ फाइव किंगडम किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइव किंगडम कंसेप्ट, पहले मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी में बताया था कि प्रारंभ में ये जितना भी जीव जगत है, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाए जाते हैं, इस पूरे जीव जगत को लाइनियस ने दो किंगडम्स में डिवाइड किया था। एक तो प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। लेकिन ये जो डिवीज़न था, ये डिवीज़न था उनके लक्षणों के आधार पर, यानी लक्षणों के आधार पर पेड़ पौधे कैसे होते हैं, तो वो पेड़ पौधों का एक समूह बना दिया, प्लांट्स का एक समूह बना दिया, और उन्हीं लक्षणों के आधार पर जो लक्षण एनिमल्स के लिए डिसाइड हुए, उन लक्षणों के आधार पर एनिमल्स का एक समूह बना दिया और उसको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम नाम दे दिया। निश्चित रूप से ये लक्षण एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए थे, भाई जो लक्षण एनिमल्स में पाए जाते हैं वो लक्षण प्लांट्स में नहीं पाए जाते थे या नहीं दिखते थे, उसके आधार पर अलग अलग दो किंगडम बना दिए। लेकिन बाद में ध्यान में आया, जब और भी अध्ययन लगातार हुए, कि ये जो पृथ्वी है इस पर ऐसे अनेक जंतु पाए जाते हैं जिनमें पादपों के लक्षण होते हैं, यानी एनिमल्स ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं जिनमें प्लांट्स के लक्षण दिखाई देते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनमें एनिमल्स के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब लक्षण मिक्स्ड हो गए, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें प्लांट्स के लक्षण हैं, तो वो एनिमल्स जो हैं वो एनिमल किंगडम में रखे जाएंगे या प्लांट किंगडम में रखे जाएंगे, यहाँ ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको कहाँ रखा जाएगा, वो एनिमल किंगडम में जाएंगे या प्लांट किंगडम में जाएंगे। तो वर्गीकरण में ये एक भ्रम की जो स्थिति पैदा हुई, इस भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही बाद में जाकर फाइव किंगडम कंसेप्ट सामने आया। फॉर एग्जांपल, जैसे भ्रम की स्थिति कैसे, लक्षणों के, अगर आप लक्षणों को, मिक्स्ड लक्षणों को, मिश्रित लक्षणों का जब अध्ययन करेंगे, तो वो मोटे मोटे रूप में यदि देखें तो पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं, उनमें मूल रूप से अंतर क्या होता है, मोटे मोटे अंतर क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि भाई एनिमल्स तो लोकोमोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, गति कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ये स्थिर होते हैं, ये सेडेंटरी होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, ये गति नहीं कर सकते। गति इन द सेंस एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा एक लक्षण है। अब इस लक्षण के को ही यदि आधार बनाएं, तो एनिमल्स में, यानी जंतुओं में, बहुत सारे एनिमल्स जैसे स्पंजे हैं, पॉरीफेरा संघ में पाए जाने वाले जो स्पंजेस हैं वो उनको ले लो, या कोरल हैं, सीलेंटेटा में कोरल्स पाए जाते हैं, प्रवाल जिनको आप कहते हो, ये एनिमल्स हैं, लेकिन ये सेडेंटरी होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते। तो स्थानबद्ध होना तो प्लांट्स का लक्षण है, लेकिन यहाँ पर ये लक्षण हमें किस में दिखाई दे रहा है, एनिमल्स में दिखाई दे रहा है। तो ये जो एनिमल्स हैं, जैसे कोरल्स हैं और स्पंजेस हैं, फिर इनको हम एनिमल किंगडम में रखेंगे या प्लांट किंगडम में रखेंगे। तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि जो लोकोमोशन का एक सबसे बड़ा लक्षण है, वहीं इसमें भेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये एनिमल्स होते हुए भी लोकोमोशन नहीं करते। अब वहीं दूसरी तरफ देखो तो प्लांट्स में जो एल्गी है, फंजाई है, इनकी कुछ जननिक अवस्थाएं होती हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस लोकोमोशन कर सकती हैं, मूवेबल होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। जबकि एल्गी फंजाई क्या है, प्लांट्स हैं, इनको प्लांट किंगडम में रखा गया है। तो एल्गी फंजाई की ये जो जननिक अवस्थाएँ हैं ये लोकोमोशन कर सकती हैं, तो फिर इनको प्लांट किंगडम में क्यों रखा, एनिमल किंगडम में रखना चाहिए। तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोकोमोशन जो है, जो कि प्रमुख लक्षण है
भेद दोनों के, एनिमल किंगडम, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में भेद दिखाने वाला सबसे बड़ा लक्षण लोकोमोशन है। तो वही वही उसमें भ्रम उत्पन्न हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स में लोकोमोशन नहीं होता, वहीं प्लांट्स में बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें लोकोमोशन होता है। अब दूसरा क्या है जो प्रमुख लक्षण है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में अंतर बताने वाला? दूसरा लक्षण है न्यूट्रिशन। कहते हैं ना कि भाई पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ऐसे जो लक्षण जिन जीवों में पाए जाते हैं हम उनको उठाया और कायम रख दिया प्लांट किंगडम में। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता, जो कि भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है, तो वो हेटरोट्रॉफिक है। तो ऐसे प्लांट्स जो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते उनको कहाँ रखें? उनको एनिमल किंगडम में रखें या प्लांट किंगडम में रखें? यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन में प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है यूगलिना, यूगलिना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। एनिमल है वो, जंतु है, लेकिन उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो उसके माध्यम से वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है प्लांट्स की तरह। वॉल बॉक्स में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसे ये जो एनिमल्स हैं जिनमें अब क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इनको एनिमल किंगडम में रखें या प्लांट किंगडम में रखें? यहाँ ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसी बहुत सारी जितनी भी ये जो बहुत सारी एल्गी है, कई सारी वैरायटी एल्गी की ऐसी है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और फंजाई है, फंगस जिसे आप बोलते हो, फंजाई जो है, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जबकि ये प्लांट किंगडम का हिस्सा है। पेड़ पौधे होते हुए भी इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसके अलावा आपने एक प्लांट पढ़ा होगा जिसको कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप ये कार्निवोरस होता है, ये कार्निवोरस होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाने की तो बात ही दूर की है, ये तो भक्षण करता है दूसरे जीवों का, परभक्षी होता है। कोई भी जैसे इंसेक्ट वगैरह इसके ऊपर आके बैठता है तो ये उसका भक्षण कर लेता है और धीरे धीरे उसका पाचन करके उसका भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेता है, कार्निवोरस होता है ये। तो न्यूट्रिशन के संबंध में भी ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक और बहुत बड़ा लक्षण होता है, वो होता है सेल्यूलोज। तो एनिमल्स में ट्यूनिकेट्स पाए जाते हैं, इनमें सेल्यूलोज उपस्थित रहता है, बाकी एनिमल्स में सेल्यूलोज उपस्थित होता नहीं है, लेकिन एनिमल होते हुए भी ट्यूनिकेट्स में सेल्यूलोज है, जबकि ये जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी, इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मस्कुलर और नर्वस सिस्टम, या कहें सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की बात करें, तो पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो माना जाता है कि नॉन सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशीलता इनमें नहीं होती। भाई आप पेड़ को काट देते हो कुल्हाड़ी लेकर, लेकिन पेड़ कोई रिएक्शन आपको नहीं देता। लेकिन एनिमल के साथ यदि आप कुछ करोगे तो वो आपको रिएक्ट करेगा, वो अपना बचाव करेगा, आपके ऊपर प्रतिक्रिया दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वेदना होती है ना। तो इसका मतलब एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम भी है और संवेदनशीलता भी है, और प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती। लेकिन स्पंज, जिसका उदाहरण मैंने पहले दिया, स्पंजेस में देख लो आप, या फिर और कोरल्स में देख लो, इनमें कई स्थिति ऐसी हैं जिसमें मस्कुलर सिस्टम भी नहीं है, नर्वस सिस्टम भी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। जबकि प्लांट्स में आप देखो तो ग्रीन एल्गी में कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर्स, जो कि संकुचन विमोचन उनके माध्यम से कर सकते हैं ये। फिर एक आपने नाम सुना होगा छुई मुई का पौधा, देखा है, मैमूसा पुडिका, लाजवंती भी बोलते हैं उसको, मैमूसा पुडिका, उसमें सेंसिटिविटी पाई जाती है। आप उसको टच करोगे, टच करते ही वो मुरझा जाएगा, या उसके आसपास से अगर बहुत तेज़ी से, अगर वेग से, अगर मान लीजिए हवा चलेगी तब भी वो मुरझा जाता है। तो ऐसे अनेक एनिमल्स हैं जिनमें प्लांट्स के लक्षण दिखाई देते हैं, और ऐसे अनेक प्लांट्स हैं जिनमें एनिमल्स के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इन जंतुओं को एनिमल किंगडम में रखें या प्लांट किंगडम में रखें,
ये विचार करने वाला एक विषय था। यदि मान लीजिए इनको ऐसे ही दो किंगडम्स में रखा जाता तो इनके साथ जस्टिफिकेशन या न्याय नहीं होगा। इस समस्या को देखते हुए एक वैज्ञानिक हुए ई एच हैकल नामक एक वैज्ञानिक हुए 1866 में। उन्होंने एक तीसरा किंगडम बनाया और उसको नाम दिया प्रोटिस्टा। तीसरा एक किंगडम बना दिया और तीसरे किंगडम को उन्होंने कहा प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा नामक किंगडम में उन्होंने एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ संघ के प्राणी, प्रोटोजोन्स जितने हैं, ये सारे के सारे उठा के उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिए। यानी कि जहाँ जहाँ ऐसे एनिमल्स थे जिनमें प्लांट्स के लक्षण पाए जाते हैं या प्लांट्स थे जिनमें एनिमल्स के लक्षण पाए जाते हैं, मिश्रित लक्षण वाले जो भी एनिमल्स या प्लांट्स थे वो सारे उठा के उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिए। और उन्होंने क्या किया कि इसमें दो इसके हिस्से और बना दिए, लोअर प्रोटिस्टा और हायर प्रोटिस्टा। तो लोअर प्रोटिस्टा में तो उन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया और बाकी सारे के सारे जो बचे हुए थे वो सारे हायर प्रोटिस्टा में उन्होंने रख दिए। इस तरह से एक तीसरे किंगडम का जन्म हो गया। लेकिन समस्या समाधान फिर भी नहीं हुआ पूरी तरीके से, समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया और जो दूसरे प्रोटिस्टा के जो संघ के किंगडम के जो जंतु हैं उनके बीच में भी लक्षणों का जो अंतर स्पष्ट होना चाहिए वो स्पष्ट नहीं था, और उसको स्पष्ट करना संभव भी नहीं था। उस प्रकार जिस प्रकार की सुविधाएं थीं, सेल की कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करने की जो कोशिकाएं थीं, जिस प्रकार के माइक्रोस्कोप थे, तो कोशिकाओं का अध्ययन आदि इत्यादि की जितनी सुविधाएं थीं उसके हिसाब से प्रोटिस्टा संघ के जो दूसरे जंतु और बैक्टीरिया इनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर करना लक्षणों का संभव नहीं था। इसलिए ये भी समस्या ठीक तरीके से पूरी तरीके से उसका समाधान नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? हम जो लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप देखते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, साधारण माइक्रोस्कोप होता है, जो कि छोटी संरचना को कुछ बड़ा करके हमको दिखा देता है, ठीक है, कुछ गुना बड़ा करके वो दिखा देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी मदद से हम किसी संरचना की कई लाख गुना उसको बड़ा करके देख सकते हैं और बड़ा विस्तृत उसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी उस कोई ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि बहुत सूक्ष्म संरचनाएं हैं उनको बहुत बड़ा करके एनलार्ज करके हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई उसके बाद कोशिका जो है, सेल जो है, उसका नए सिरे से अध्ययन शुरू हुआ। और जब नए सिरे से अध्ययन शुरू हुआ तब ये परिभाषा बदली और बताया गया कि भाई पहले तो ये माना जाता था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। सीधे सीधे जो दो किंगडम है दोनों में पाए जाने वाले जंतुओं के आधार पर एनिमल और प्लांट सेल बता दिए गए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद कोशिका का दोबारा से अध्ययन हुआ तो कोशिका को फिर दो नए सिरे से दो भागों में बांटा गया और बताया गया कोशिका होती दो प्रकार की ही है, लेकिन वो कहलाती है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है पहले भी आपने शायद पढ़ा होगा, तो उसमें क्या अंतर होता है? तो मोटे तौर पर यदि देखें तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है केवल प्लांट्स में। यूकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल प्लांट्स में उपस्थित होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सेल वॉल उपस्थित होती है, यानी प्रोकैरियोट्स जितने भी होते हैं उन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नंबर दो जो मोटा मोटा लक्षण है वो है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका केंद्रक जो होता है बहुत अधिक विकसित होता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, एक सुगठित उसकी संरचना होती है। तो वो न्यूक्लियस कोशिका में, केंद्रक कोशिका में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वो विकसित होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस जो होता है वो या तो एब्सेंट होता है या फिर वो न्यूक्लियर प्लाज्म जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली जो संरचना है उसके अंदर जीव द्रव्य में ही घुली हुई रूप में रहती हैं, उसका अलग से कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता।
ऐसे ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम से, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम वगैरह, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे के सारे यूकैरियोटिक में तो पाए जाते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं, जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। तो जब ये कोशिकाओं का इस प्रकार से अध्ययन किया गया तो फिर जंतुओं का डिवीजन बदल गया, यानी कि अब यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स वाले में जो उसका एग्जांपल देखें वो कहाँ पाई जाती हैं, तो सारे एनिमल्स जितने भी हैं सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, सारे प्लांट्स जितने भी हैं उनमें सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। अब तो बात ही ख़त्म हो गई, यानी कि यूकैरियोटिक सेल यानी कोशिका के आधार पर यदि देखो तो एनिमल और प्लांट एक ही स्थान पर आ गए, उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो आप, एनिमल और प्लांट वो एक ही प्रकार की कोशिका उसमें पाई जाती है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई ये सारे जितने भी हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आ गए, तो पूरा का पूरा ये विभाजन विभेदन ही परिवर्तित हो गया, ठीक है। उस स्थिति में फिर एक वैज्ञानिक हुए आर एच विटेकर, तो ये जो आर एच विटेकर नामक वैज्ञानिक हुए उन्होंने 1969 में फाइव किंगडम कंसेप्ट हमारे सामने रखा। उन्होंने बताया कि पांच जगत यानी दो जगत के स्थान पर पांच जगत होने चाहिए, पांच जगत उन्होंने बनाए, और ये जो पांच जगत उन्होंने बनाए वो तीन मुख्य रूप से उसको बनाने के तीन आधार लिए उन्होंने। भाई आप नया किंगडम बना रहे हो तो उस किस आधार पे बनाओगे, तो उन्होंने तीन चीज़ें आधार बनाई उसकी, कि अगर प्राणियों का विभेदन किया एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय के आधार पर, ए सेलुलर या मल्टी सेलुलर, ठीक है, ए सेलुलर यूनिसेलुलर भी कह देते हैं, एक कोशिकीय प्राणी या अकोशिकीय प्राणी, ए सेलुलर और यूनिसेलुलर, और दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर, ठीक है, प्राणी ए सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है ऐसा देखा जाएगा पहले, फिर उसकी कोशिका किस प्रकार की है यानी टाइप ऑफ सेल, यहाँ टाइप ऑफ सेल का मतलब प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये टाइप ऑफ सेल हो गई। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्राणी भोजन किस प्रकार से लेता है, स्वयं बनाता है या दूसरों पर निर्भर करता है, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये तीसरी चीज़ ये थी। ये तीन प्रमुख आधार आर एच विटेकर ने लेते हुए जीवों का वर्गीकरण किया और सभी जीवों को उन्होंने पांच किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, पांच किंगडम बना दिए। और ये पांच किंगडम कौन से थे, पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम उन्होंने बनाया फंजाई, चौथा किंगडम बनाया एनिमेलिया, और पांचवा किंगडम बनाया प्लांटी या प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम ये तो पहले से बनाए हुए थे, ठीक है, ये इन्होंने रखे, थोड़ा सा परिवर्तन किया, इसके अलावा मोनेरा और फंजाई किंगडम इसमें और जोड़ दिए, ऐसे करके कुल पांच किंगडम इन्होंने बनाए, ठीक है। ये पांच किंगडम, पांच जगत इन्होंने तैयार किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट, और सारे के सारे जीव जगत को इन पांच किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले लेते हैं मोनेरा किंगडम। अब जी मोनेरा किंगडम में जो मैंने जैसे आपको तीन आधार बताए ना, वो तीन आधार पे ही ये सारे के पांचों किंगडम्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, और वैसे ही डिफाइन भी कर देना है संक्षेप में आपको। कौन कौन से प्राणियों की, सबसे पहले कोशिका देखेंगे कि वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, प्राणी कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं। नंबर दो, कोशिका किस प्रकार की है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। और नंबर तीन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, है ना, भोजन का उनका ग्रहण करने का तरीका क्या है, या भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, अपना स्वयं बनाते हैं या परपोषी हैं या परजीवी हैं या सहजीवी हैं किस प्रकार के। इन तीनों के आधार पर ही हमको पांचों किंगडम्स के अलग अलग डिफाइन उनको करना है। तो मोनेरा है जैसे, तो मोनेरा में जो प्राणी पाए जाते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, ठीक है,
ए सेलुलर है, अकोशिकीय हैं या एक कोशिकीय हैं, सूक्ष्मदर्शीय हैं, ठीक है, छोटे हैं। दूसरे हैं वो सारे प्राणी प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है उनकी कोशिका। और इसी प्रकार मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ का मतलब स्वयं पोषी, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। कुछ प्राणी इसमें हेटरोट्रॉफ भी प्राय पाए जाते हैं, हेटरोट्रॉफ का मतलब परपोषी, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाले, वो भी इसमें पाए जाते हैं। कॉमेंसल्स, कॉमेंसल्स का मतलब है सहजीवी, ठीक है, सहजीवी के मतलब है कि वो समूह में रहते हैं, किसी दूसरे प्राणी के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, ये कॉमेंसल्स होते हैं। पैरासाइट्स यानी परजीवी, यानी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और उनको नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो ऐसे करके ये जो मोनेरा नामक किंगडम है, इसमें ये तीन प्रकार के जो आधार बनाए, तीनों आधार आपके सामने हैं, इसके आधार पर मोनेरा नामक किंगडम में प्राणी रखे गए, कौन कौन से, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, नील हरित शैवाल जिसको आप बोलते हो, इनको उठा के मोनेरा नामक किंगडम में रख दिया गया, ठीक है। दूसरा किंगडम बनाया प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा जो किंगडम बनाया उसमें प्राणी जो पाए जाते हैं वो कुछ प्राणी उसमें ए सेलुलर होते हैं, अधिकांश प्राणी ए सेलुलर होते हैं, कुछ प्राणी उसमें मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अभी आप कह सकते हो साहब ये ए सेलुलर भी है मल्टी सेलुलर भी, ये कैसे, तो लक्षण हम केवल यही नहीं देख रहे, बाकी चीज़ें भी तो देख रहे हैं, कोशिका का टाइप किस प्रकार का है, भोजन का उनका ग्रहण करने का तरीका किस प्रकार का है, तो तीनों लक्षणों का समन्वित रूप से उनको लेते हुए ही ये निश्चित किया गया कि भाई ये प्राणी किस जगत में रखा जाएगा। किंगडम को हिंदी में जगत बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा नामक जगत में या प्रोटिस्टा नामक किंगडम में ए सेलुलर या कुछ जो हैं मल्टी सेलुलर एनिमल रखे गए, इनमें जो कोशिका पाई जाती है उसका टाइप है यूकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले प्राणी मोनेरा नामक किंगडम में रखे गए। इसके अलावा जितने भी आगे किंगडम आप देखोगे उन सब में कोशिका का टाइप फिक्स हो गया, यानी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका के प्राणी ही आगे पाए जाते हैं सभी जितने भी किंगडम हैं उनमें। अब इसमें पोषण की विधि क्या है, भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है, तो वो हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजर्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब है प्रकाश स्वपोषित, प्रकाश की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, ऐसे जितने भी प्राणी हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स जो हैं अपघटक, जैसे आपने देखा होगा सड़ी गली चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके अपघटन होने लगता है, नष्ट हो जाती हैं। अब मान लीजिए कोई जंतु है, किसी एनिमल की डेथ हो गई, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, तो आप देखते हो धीरे 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 करके वो डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियाँ निकल जाती हैं, उसकी त्वचा, उसका मांस आदि इत्यादि कहाँ चले जाते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स इसमें रखे गए प्रोटिस्टा नामक संघ में। तो ये जो प्रोटिस्टा है ये जगत, सॉरी संघ नहीं, जगत में प्रोटिस्टा जगत जो है, प्रोटिस्टा किंगडम जो है, इसमें ए सेलुलर और कुछ मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटो ऑटोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स रखे गए। और एग्जाम्पल यदि देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो, और एल्गी, ये इसमें प्रोटिस्टा नामक जगत में रखे गए। तीसरा जगत है फंजाई। फंजाई में ये ईस्ट को एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़कर, है ना, ईस्ट को छोड़कर सभी मल्टी सेलुलर होते हैं और विदाउट क्लोरोफिल होते हैं। इसमें जो एनिमल्स रखे गए हैं वो ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट देखा है आपने, खमीर, खमीर कहते हैं ना, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खमीर उठता है जैसे ब्रेड वगैरह बनती है, तो वो उसमें, तो ये जो ईस्ट होता है इसको छोड़कर बाकी सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, विदाउट क्लोरोफिल होते हैं। कोशिका इसमें यूकैरियोटिक प्रकार की होती है और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रॉफिक, ये परपोषी होते हैं, अपना भोजन से हम नहीं बना सकते, और ये अपना भोजन एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है। जो फंजाई आपने देखी होगी,
वो ऐसे चीज़ों के ऊपर उगती है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर उग जाती है, प्लांट्स के ऊपर है या फिर जो डेड पड़े होते हैं या डेड एनिमल्स के ऊपर भी ये जो ये उत्पन्न हो जाती है, तो ये उनसे अपना पोषण प्राप्त करती है। एग्जाम्पल राइजोपस है, एक प्रकार की फंजाई है, ठीक है। तो ये तीसरा किंगडम बना दिया, फंजाई किंगडम। चौथा किंगडम बनाया प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में जितने भी प्राणी हैं वो सभी बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर हैं। इनमें जो टाइप ऑफ सेल है वो है यूकैरियोटिक, यू यानी मोनरा को छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम में सब में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, ये आप फिक्स कर लो, ठीक है। पोषण का तरीका ज़रूर बदलता है, अलग अलग होता है। तो प्लांट किंगडम में पोषण जो होता है वही फोटो ऑटोट्रॉप्स है, प्रकाश की मदद से भोजन बनाते हैं, और उसके अलावा पैरासाइट्स भी इसमें पाए जाते हैं, परजीवी भी पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर में इसमें रखे गए सभी जितने भी प्लांट्स वो इसमें रख दिए गए। और अंतिम जो पांचवा किंगडम है वो कहलाता है किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। इसमें सभी प्राणी मल्टी सेलुलर होते हैं, कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सभी हिटरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे के ऊपर ही भोजन के लिए निर्भर करते हैं, अपना भोजन शरीर के अंदर स्वयं नहीं बना सकते, और भक्षण के द्वारा ये इंजेशन के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें जितने भी पॉरीफेरा संघ से लेके कॉर्डेटा संघ तक के जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे एनिमल किंगडम में रखे गए हैं। तो ये कुल मिला के 5 किंगडम कंसेप्ट किसे कहते हैं, क्या है, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया है। एक बार और बुक्स में आप इसे स्टडी करें और उसके बाद इसके नोट्स प्रिपेयर करें तो आपको इसमें आसानी रहेगी। थैंक यू।